हाय दोस्तों, सरिता मस्ती ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सब परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। और ये है मेरी छोटी सनाया, देखो हाय बोल दे, हाय बोल दे, हाय हाय बोल दे। ये फोन पकड़ने खोज रही है, फोन ने मत पकड़ेगो, बात करेंगे ना। हाय हाय सनाया, हाय। तो अब सबसे बात कर लेती हूँ थोड़ा सा मैं। ये तो पकड़ने खोज रही है दोस्तों, तो मैं इसके लिए देखो 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 देखो, ऐसे बदमाशी नहीं होते हैं बेटा। देखो सब कोई देख रहे हैं, अब तुम ऐसे रोएगी तो बहुत हंसेंगे। देखो इसको नींद भी आ रही है, तो आ आ आ, कम 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 बोल दे, कम 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 कम, क्लप बजा दे, क्लप 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 क्लप। तो दोस्तों अभी चलिए मैं आप सबको हम मेरा रूम दिखाऊंगी, हम लोग जहाँ रहते हैं वो रूम सबको दिखाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये दोस्तों हम अपना रूम दिखाऊंगी। तो ये है दोस्तों मेरा रूम, फर्स्ट रूम है, और यहाँ पूजा करते हैं हम लोग। ये बना हुआ है तो हम लोग फर्स्ट रूम में ही इसको पूजा करते हैं इसमें। और ये है ईशानी का टेबल है, यहाँ ईशानी पढ़ती है। और ये कंप्यूटर है, मेरा हस्बैंड चलाते हैं। और ये गाड़ी है जो सनाया के लिए लिए हैं हम लोग। और ये सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन जो है ईशानी उसका रस्सी को काट दी है, इसमें मैं सिलाई करती हूँ, ब्लाउज ड्रेस सब कुछ कर लेती हूँ। और मैं अपना बेडरूम दिखाती हूँ। ये हम लोग का बेडरूम है। और सनाया देखिए खेल रही है कैसे, सनाया 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 सनाया, ये नहीं देख रही है, ओ मजे से कितना मजे से खेल रही है। तो सनाया हाय बोल दे, हाय हाय बोल दे, हाय बोल दे, हाय। ओहो इसका भेसनिंग जो पकड़ी थी खेल रही थी वो गिर गई। दोस्तों ये है हम लोग का टीवी है, और ये कूलर है, और इधर अलमारी है, देखिए अलमारी। और ये मेरा बड़ी बेटी ईशानी आ गई, और सनाया ट्यूशन गई थी। ये देखिए ये मेरे पास आने खुज रही है। सुबह में मैगी नाश्ता करके ट्यूशन गई थी 9:30 बजे, और 11 बजे आ गई। बारह फरवरी इसका बर्थडे है। सनाया का 12 फरवरी को बर्थडे है। तो चलिए दोस्तों अभी किचन रूम दिखाती हूँ। ये है हम लोग का किचन रूम, और ये बर्तन स्टैंड है, और इधर देखिए इधर नमक मसाला आटा, और नीचे में पानी रखे हैं। और ये है हम लोग का फ्रिज, जो कि फ्रिज में अभी कुछ सब्जी नहीं है, कल मार्केट है, कल मार्केट से ले आएंगे। तो दोस्तों ईशानी ट्यूशन से आई, मैगी खा के गई थी, तो मैगी खा के गई तो बोल रही है कि मेरे लिए मैगी बचा दी है कि नहीं बोल रही है। तो इसके लिए मैं और थोड़ा मैगी बना दे रही हूँ। ये ट्यूशन जाती है जो भी नाश्ता किए रहती है, मैगी हुआ, पास्ता हुआ, रोटी, जो कुछ भी, लेकिन ये ट्यूशन से आएगी तो इसके लिए होना चाहिए। ये बोलती है कि ट्यूशन जाऊंगी फिर जाके आऊंगी तो मैं मेरे लिए बचा देना बोलती है, तो मैं इसके लिए बचा देती हूँ। तो आज मैगी नहीं बचा था, तो बोल रही है आके मेरे को मैगी चाहिए बोल रही है दोस्तों। तो मैं इसके लिए मैगी बना दे रही हूँ, अब ये मैगी खाएगी थोड़ा फिर पढ़ेगी। तो दोस्तों मैगी बना दे रही हूँ ईशानी के लिए। तो देखिए दोस्तों मैं हस्बैंड में बना दे रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई यूज करना नहीं चाहती हूँ अभी, इसके लिए एक पैकेट ही मैगी बना रही हूँ ईशानी के लिए। तो मैं हस्बैंड ही बना दे रही हूँ।
तो दोस्तों देखिए मैगी अभी उसका रेडी हो गया है, इसानी का मैगी बन के देखिए। हंसी लग रही थी क्योंकि मैं सस्पेंस में बना रही हूँ ना। तो इसका मैगी तैयार हो गई है, अभी दे दूंगी वो खाएगी। दोस्तों मैगी बन गई है और ये देखिए ईशानी को दे दी हूँ मैं, ईशानी खा रही है। देखिए ईशानी कैसे लग रहा है? टेस्टी है, टेस्टी है। मैगी तो इसका फेवरेट है, मैगी और पास्ता। देखिए सनायाना वो खिलौना का गिलास को डाल दी उसका मैगी में। देखिए सनाया कैसे हो रही है, देखिए अभी सबको फेंकेगी, उसको नहीं दे रही है ना, और दे उसको भी फेंकेगी। हाँ उसको भी चाहिए, उसका बैग फेंकेगी। अभी देखो वेस्लिंग पकड़ रही है, वेस्लिंग भी फेंकेगी। तो ईशानी का मैगी पास्ता पूरा फेवरेट है, मेरा सब फेवरेट है। हाँ लेकिन दो दो बार खाएगी, और जब ट्यूशन जाएगी उस समय नाश्ता करके जाएगी उसके लिए, और होना चाहिए, बचाना चाहिए, नहीं बचेगा तो खुद से बनाने के लिए बोलेगी, फिर बनाना पड़ेगा, फिर खाएगी। और जैसे बोलती है वैसे कर देती हूँ, और जैसे मैं बोलती हूँ वैसे सुनती है। पढ़ाई करो बोलने से पढ़ाई करेगी, थोड़ा सा खिलेगी, इसलिए उसके लिए बनाना पड़ता है। मैं क्या बोलती हूँ मम्मी करती है, और मम्मी बोलती है मैं करती हूँ, ऐसे मम्मी पापा खुश हो जाते हैं। और इधर देखिए सनाया क्या पकड़ी है, गो नील कटर, हटा दो, छीनो चल, नहीं थोड़ा सा मैगी खिला दो, तू कैसी होगी? नहीं एक टुकड़ा, छोटा सा। देखिए ये भी बहुत खाने खोजती है। तो दोस्तों ईशानी मैगी का भी खत्म कर दी है, तो ईशानी बोल रही है कि मेरे साथ थोड़ा सा खेल लो, बोल रही है ईशानी। तो मैं उसके साथ क्या खेलूं दोस्तों, तो थोड़ा सा खेल देती हूँ क्योंकि बच्ची अकेले है, यहाँ पर बच्चा कोई नहीं है, तो ये पूरा ये हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसके साथ खेल देती हूँ, और खेलने के बाद में जल्दी डालो, अरे यार इसे डालना, ये देखिए इसका बहुत सारा खिलौना है। देखिए दोस्त ईशानी दिखा क्या क्या खिलौना है, ये नपुत्रा में ड्रेस। ए दोस्त देखिए ईशानी का कितना सारा खिलौना है, लेकिन अकेले खेलने ही नहीं खोजती है, उसके साथ दोस्त चाहिए। रूम में अकेले हो जाती है, बोर हो जाती है, तो इसके साथ मैं थोड़ा सा खेल लेती हूँ, फिर घर का जितना भी काम हो मैं कर लेती हूँ। थोड़ा सा भी खेलेगी, फिर होमवर्क करेगी, होमवर्क करके दोपहर का खाना खाएगी, खाना खाने के बाद वो सो जाएगी, सोएगी, फिर 5 बजे उठेगी, फिर पढ़ाई करेगी, पढ़ाई करके क्योंकि ऑनलाइन क्लास में उतना अच्छा भी पढ़ाई नहीं होता है लोगों का, और मोबाइल में अभ्यास हो जाएगी। ट्यूशन में पढ़ती है, फिर खुद से घर में ही पढ़ाते हैं, और ये ज़्यादा मोबाइल के लिए नहीं, मोबाइल देखने नहीं खोजती है ज़्यादा, ज़्यादा खिलौना में ही वो दो बार खेलेगी, फिर ट्यूशन व्यूशन करती है। दोस्तों देखिए मेरा सनाया भी कैसे खेल रही है। सनाया ओ पूरा उसको खोलने में लगी हुई है, खेलेंगी बोल रही है वो भी, और नीचे इधर आएगी तो ईशानी का जितना भी बनाया हुआ सबको बिगाड़ देगी, इसलिए ईशानी बोल रही है ऊपर में ही रहेगी, और वो ऊपर से देखेगी ईशानी खेलेगी।
दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।